हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टीवी स्कूल चैनल। तो आज का जो साडा टॉपिक है वो है मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर। एज यू ऑलरेडी नो कि असी पिछले एपीसोड दे विच मोलिकुलैरिटी बारे थोड़ा जा पढ़ लिया सी, असी उसनों फिर तो रीकैप्चुलेट करते हैं ताकि असी ऑर्डर ते मोलिकुलैरिटी दे इन बिटवीन डिफरेंस नू फाइंड आउट कर सकें। देखो बच्चों, मोलिकुलैरिटी की है, दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट ए एंड बी फॉर्म द प्रोडक्ट। जो दो रिएक्टेंट आपस के मिलन तो बाद प्रोडक्ट बना रहे ने तो जिन्ने नंबर ऑफ आयन मोलीक्यूल्स या एटम आपस के रिएक्ट कर रहे हैं किन्ने कर रहे हैं, दैट इज मोलिकुलैरिटी, नंबर ऑफ द आयनस एटम एंड मोलीक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल इस केस के मोलिकुलैरिटी किन्नी होएगी, मोलिकुलैरिटी इज टू, क्योंकि टू मोलीक्यूल्स टू एटम आपस के कंबाइन होने तो बाद सानू प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इस केस च मोलिकुलैरिटी है टू। लाइक इन द सिमिलर वे, अगर असी टू ए प्लस बी कंबाइन कर रहे हैं दैट फॉर्म द प्रोडक्ट, तो बच्चों उस केस दे विच देखो मोलिकुलैरिटी किन्नी होएगी कि टू मोल्स ऑफ ए कंबाइन विद वन मोल ऑफ बी, तो किन्ने रिएक्टिव मोलीक्यूल्स इतने कंबाइन कर रहे हैं, थ्री, तो इतने मोलिकुलैरिटी होएगी थ्री। देखो मोलिकुलैरिटी तो पता लग गया की है, मोलिकुलैरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे रही ने कंबाइन होने तो बाद। हुण मोलिकुलैरिटी मैं तुम्हें पहला भी दस्या सी कि कोई भी रिएक्शन है दो तरह ना होंदी है, सिंपल एंड कंपलैक्स। अगर वो एक स्टैप दे विच हो रही है तो सिंपल रिएक्शन है, अगर वो मल्टी स्टैप दे विच हो रही है तो कंपलैक्स रिएक्शन है। तो असी रेट ऑफ रिएक्शन किस तो कैलकुलेट करेंगे, फास्ट या स्लो, तो स्लो रिएक्शन सानू रेट ऑफ रिएक्शन दसेगी। हम मोलिकुलैरिटी करने तो बाद असी करना है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की है, देखो सानू बच्चों असी पहले एपीसोड दे विच रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सीख लिया सी कि अगर ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन, कि असी रेट किदा लिखते सी, माइनस बी ऑफ ए अपॉन डी टी, दैट इज रिएक्टेंट है तो असं माइनस लगा रहे हैं, माइनस डी अपॉन डी ए अपॉन डी टी। सिमिलरली अगर असं इन टर्म ऑफ बी डी टर्म के रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं तो दैन माइनस डी ऑफ बी अपॉन डी टी, इस तरीके दे नाल असं रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। हुण असं ये देखना कि रेट ऑफ रिएक्शन तो असं पता लग गया कि असं इस तरीके दे नाल रीप्रजेंट करना, हुण ये डिपेंड किस दे उपर करता है, क्योंकि देखो अगर रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहा है तो जो कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज हो रही है एंड प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इनक्रीज हो रही है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड किन्नी फास्ट होएगी रिएक्शन की किसके ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्शन दैट इज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी रिएक्शन का, फॉर एग्जाम्पल असी ए प्लस बी लै रहे हैं, सेम यही रिएक्शन लै रहे हैं, तो इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रपोर्शन है, दैट इज कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन के उपर डिपेंड कर रहा है। अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होएगा। जो असी पहला भी कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के उपर डिपेंड किया कि कि फैक्टर ने जो रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट करते हैं, सेम ही इस केस दे विच है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हुण इत्थे असीं प्रोपोर्शनैलिटी नूं हटा के की लगा देंगे, के इत्थे के की है बच्चों, के इज द रेट कॉन्सटेंट, कॉन्सटेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिन्हों असीं बोल रहे हैं दैट इज रेट कॉन्सटेंट। असं इसनों वेलोसिटी कॉन्सटेंट भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी कॉन्सटेंट, रेट कॉन्सटेंट या वेलोसिटी कॉन्सटेंट बोल सकते हैं। रेट कॉन्सटेंट है कि सानू ये दसेगा कॉन्सटेंट वैल्यू है के दी, ठीक, तो इनू असं के दे नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं रेट कॉन्सटेंट।
देखो बच्चों जो k दी वैल्यू है वो हर रिएक्शन दे विच डिफरेंट डिफरेंट होएगी, सारी रिएक्शंस दे अंदर k दी वैल्यू सेम नहीं होएगी, k इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज दे लिए होएगा। नेक्स्ट अगर असि k दी गल कर दिए, k की चीज है, k दी डेफिनेशन नु अगर असि डिफाइन करना चाह रहे हैं तो अगर असि ले लिए कि a एंड b जो असि रिएक्शन दे विच ले रहे हैं, अगर a दी कंसंट्रेशन एंड b दी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी दा मतलब अगर a और b दी कंसंट्रेशन 1 हो जाती है, means the concentration of A that is equal to concentration of B and that is equal to 1. अगर A और B the concentration is equal to 1, then उस case दे विच rate of reaction की होएगा, rate of reaction, देखो बच्चों A the value 1 है, B the value भी 1 है, जो दोस्ते इत्थे 1 put करांगे तर rate of reaction is equal to K, ਇਤੋਂ ਅਸੀਂ k ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੈਨ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਮੀਨਸ ਰੇਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਦੋਂ ਰੇਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਟ ਆਫ ਦਾ रिएक्शन एंड रेट कॉन्सटेंट दे इक्वल होएगा। तो देखो बच्चों के की चीज़ है रेट ऑफ रिएक्शन जदों कंसंट्रेशन 1 होएगी, हुण के दी वैल्यू हर रिएक्शन दे लिए डिफरेंट होएगी, इस रिएक्शन दे लिए अलग हो रही है, अगर असी कोई होर एग्जांपल ले रहे हैं तो उस दे लिए के दी वैल्यू डिफरेंट होएगी। सेकंड, जो के दी वैल्यू है ये रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन दे ऊपर डिपेंड नहीं करती, दैट इज के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट दी कंसंट्रेशन तो इंडिपेंडेंट होएगी। हुण असीं करदे हां के दे यूनिट्स, भी के दे यूनिट्स की होणगे, देखो बच्चों a प्लस b इज इक्वल टू प्रोडक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन असीं लिखदे हां d ऑफ a अपॉन dt दैट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशंस दी पावर n लगा रही हैं कि किन्ने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं दैट इज n, जिसनों से ऑर्डर कह रहे हैं ते जिस दे बारे असी अगे स्टडी करांगे, तो n है किन्ने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ने, रिएक्टिंग स्पीसीज दी असी इत्थे की लेनी है कंसंट्रेशन, तो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों ये है कंसंट्रेशन ऑफ a, तो असी इस नूं लिख लांगे कंसंट्रेशन डिवाइड बाय दैट इज dt, dt इत्थे की चीज है, dt इज टाइम, तो असी लिखांगे टाइम दैट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ द पावर n। तो हुण इत्थों बच्चों असी k दी वैल्यू नू कैलकुलेट करना है, भी k दी यूनिट्स की होणगीआं, तो k नू असी एक साइड रखदे हां, कंसंट्रेशन असी इस साइड लैणी, तो k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू वन अपॉन कंसंट्रेशन पावर एन। देखो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन पावर एन। हुण असीं इत्थों कंसंट्रेशन की पावर एन नू इस साइड लैके आवेंगे, ये उपर है, इस साइड लैके आवेंगे तो नीचे आ जाएगी। हुण असीं इस नू सॉल्व करांगे, देखो इत्थे कंसंट्रेशन की पावर है 1, इत्थे है एन, तो इस एन नू असीं उपर लैके आवेंगे, पावर माइनस दे विच हो जाएगी, तो असीं लिखांगे कंसंट्रेशन 1 माइनस एन टाइम माइनस 2। तो देखो बच्चों कंसंट्रेशन की पावर एन है, असं इस उपर लैके आ रहे हैं, जो असं उपर लैके आ रहे हैं तो 1 माइनस एन हो जाएगा, टाइम नीचे है, जो असं इस उपर लैके जावे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये यूनिट्स ने गिया के दिया। हुण असं कंसंट्रेशन नू किस दे विच मैजर कर रहे हैं, मोल पर लीटर दे विच, मोल पर लीटर पावर एन, एंड टाइम नू किस दे विच मेजर करदे आ, सेकंड दे विच, तो सेकंड माइनस 1, एंड दीस आर द, दिस इज द यूनिट ऑफ के, दैट इज रेट कांस्टेंट दे यूनिट ने बच्चो, मोल पर लीटर द पावर 1 माइनस एन सेक पर सेकंड दे विच है। ए इस तरीके दे नाल असी के दे यूनिट्स नू कैलकुलेट कर सकदे आ। हुण असी देखदे आ रेट ऑफ कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन दे विच की डिफरेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्सटेंट के,
देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन की है इन्हों दोनों का असं हम डिफरेंस देखा आपस के डिफरेंस है। रेट ऑफ रिएक्शन इट इज़ अ स्पीड ऑफ डिक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और इनक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन की है, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड ऑफ द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन किन्नी घट रही है या फिर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन किन्नी वध रही है पर यूनिट टाइम, किन्ने टाइम के विच, मीनस रेट ऑफ रिएक्शन सानू स्पीड दस रही है कि रिएक्शन की स्पीड फास्ट होएगी या फिर स्लो होएगी। सिमिलरली रेट कॉन्सटेंट के विच की होएगा, इट इज़ अ कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी। जिमें असी हम पहला डिस्कस किया कि रेट कॉन्सटेंट की है, कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन वैन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। रेट कॉन्सटेंट कदों रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होएगा, जदों कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, मीन जदों जो असी रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं उन्होंने कंसनट्रेशन वन है, मीनस यूनिटी है, उस केस दे विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्सटेंट। अगर असी सैकेंड डिफरेंस की गल करिए, इट डिपेंड अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो रेट ऑफ रिएक्शन असी कैलकुलेट करते बचो माइनस डी ऑफ ए, अगर साडा रिएक्टेंट ए है, अपॉन डी दैट इज प्रपोर्शनल टू जो असी रिएक्टेंट लै रहे हैं। तो इस केस दे विच असी कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही असी सैकेंड डिफरेंस दे विच किया, लेकिन जो रेट कॉन्सटेंट के दी वैल्यू है दैट इज इनडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो इनडिपेंडेंट है, क्यों इनडिपेंडेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन तो असं यूनिटी लै रहे हैं इनकेस जो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हों। इट मीनस रेट ऑफ रेट कॉन्सटेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कॉन्सटेंट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड द यूनिट ऑफ रेट कॉन्सटेंट एज वी ऑलरेडी डिस्क्राइब इज मोल पर लीटर वन माइनस एन सेकेंड माइनस वन। देखो इसके यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड क्यों ने, क्योंकि जो असं रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर रहे हैं दैट इज माइनस डी ऑफ ए पॉन डी टी। डी ऑफ ए की है बच्चों कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट असं लिखते हैं मोल पर लीटर डिवाइड बाय टाइम, टाइम असं लै रहे हैं सैकेंड, तो जो सैकेंड है इसनों उपर लै आओ तो यूनिट बन जाएंगे तुहाडे मोल पर लीटर पर सैकेंड। यह है रेट ऑफ रिएक्शन दे यूनिट, जो तुहाडा रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट कॉन्सटेंट दे यूनिट्स असं पहला ही कर चुके हैं, मोल पर लीटर वन माइनस एन सैकेंड माइनस वन। दीज आर द डिफरेंस सम पॉइंट बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कॉन्सटेंट। हूँ इस तो अगे असी करांगे ऑर्डर। ऑर्डर की है, देखो बच्चे ऑर्डर के बारे के हम असं स्टडी करांगे। मैं एक रिएक्शन लै रही हूँ ए प्लस बी, मान लो ए मोल्स ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ कैपिटल बी कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट ए स्मॉल ए, कि एनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंबाइन विद बी मोल्स ऑफ कैपिटल बी टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन दे रहा है। इस केस के विच असी रेट ऑफ रिएक्शन की लिखांगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है साडा इतने ए एंड बी, दैट इज ए एंड बी। देखो बच्चों असी अगर इन्हों का ये बोलते हैं कॉफिशियंट, अगर ए का कॉफिशियंट ए है तो इसकी पावर के विच जाएगा ए, सिमिलरली अगर बी का कॉफिशियंट स्मॉल बी है तो ये इसकी पावर के विच जाएगा। तो असी कह रहे हैं कि इतने जो ए एंड बी आया दैट आर द कॉफिशियंट ऑफ ए एंड बी, कि किन्ने मोल असी ए दे किन्ने मोल ऑफ बी दे नाल रिएक्ट करवाए हैं। तो जो वैल्यू है ए प्लस बी दी दैट इज ऑर्डर, इसनों बोल रहे हैं असी ऑर्डर। तो ऑर्डर की है, इट इज़ द सम ऑफ सम प्लस, मीनस ए बी जिन्ने रिएक्टेंट ने किन्ने मोलीक्यूल असी यूज कर रहे हैं असी उन्हें सब का प्लस करांगे। इट इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट नूं असी पावर भी कह सकते हैं, ऑफ द कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन ऑफ
term in rate law. बच्चों देखो, अगर ऐसे इसकी डेफिनेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट मींस पावर, जो सीधे पावर ले रहे हैं, ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टर्म इन रेट लॉ. रेट लॉ के अंदर जो सी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं उसकी पावर नो अगर ऐसे प्लस कर दिए तो दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ये होएगा साडा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कि अगर ऐसे ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंबाइन विद बी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी दैट फॉर्म द प्रोडक्ट, तो ये साडा ऑर्डर आएगा. लाइक ये सीधी एग्जाम्पल कर दी हैं, H2 प्लस I2 कंबाइन टू फॉर्म 2HI. देखो बच्चों, इतने वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयोडाइड. तो इतने ऑर्डर की होगी, देखो वन मॉलिक्यूल से इसका यूज कर रहे हैं, वन मॉलिक्यूल से इसका, तो ऑर्डर होएगा इतने 2. ऑर्डर दस रहे हैं कि सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर द सम है वो साडा ऑर्डर होएगा. सिमिलरली असि एक होर एग्जाम्पल करते हैं, कि अगर मैं ए मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तो इस केस के विच रेट की होएगा के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट. इतने ऑर्डर की होएगा बच्चे 1, मीन्स n इज इक्वल टू 1. ऑर्डर नो असी सिंबल दे रहे हैं n. सिमिलरली अगर 2 ऑफ a कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, इस केस दे विच रेट की होएगा k a. a साडी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कितने मोल्स असी इसे यूज कर रहे हैं 2. तो इतने साडा ऑर्डर होएगा 2 रिएक्टेंट 2 मोल्स ऑफ ए कंबाइन कर रहे. सिमिलरली अगर मैं इस रिएक्शन नो इस तरह लिखने की थान पर यह लिख दिया कि 1 मोल ऑफ ए कंबाइन विद 1 मोल ऑफ बी टू फॉर्म द प्रोडक्ट, इस केस के विच रेट की होएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी. तो इस केस के विच ऑर्डर की होएगा रिएक्शन का, 1 मोल असं ए का यूज कर रहे हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो साडा ऑर्डर की होएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2. ये साडा ऑर्डर है रिएक्शन का कि किन्ने सम ऑफ द एक्सपोनेंट, ये भी 1 यूज कर रहे हैं, ये भी 1 यूज कर रहे हैं, तो दोनों नु प्लस करके जो बने दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, भी किन्ने ऑर्डर की रिएक्शन हुई. सिमिलरली अगर मैं 3 मॉलिक्यूल्स एटम और आइन कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तो इस केस के विच रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी, तिना के ऊपर डिपेंड करेगा. तिना की पावर कितनी है, 1-1 मोलिक्यूल्स अस यूज कर रहे हैं, तो इतने साडा ऑर्डर कितना होएगा 3. तो ऑर्डर देखो बच्चों की है, सम ऑफ एक्सपोनेंट जो असं पावर उपर लै रहे हैं कि किन्ने मोल्स असं यूज कर रहे हैं, उन्होंने अगर असं प्लस कर रहे हैं सम ऑफ द एक्सपोनेंट of the concentration term in rate law, असं इन्हों की पावर नू प्लस कर रहे हैं तो साडा ऑर्डर आ गया. एक गल बच्चों ध्यान रखनी है कि जो ऑर्डर है वो एक्सपेरीमेंटली फाइंड आउट हुंदा, असी थ्रैटिकली इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते. मीनस अगर हर रिएक्शन के विच असी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की पावर नू काउंट करके ऑर्डर नहीं कर सकते, ये एक्सपेरीमेंटली फाइंड आउट हुंदा है कि रेट ऑर्डर कितना है रिएक्शन का, क्योंकि कुछ केसिस के विच ये रूल फॉलो नहीं हुंदा कि असी जो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं कंबाइन करने तो बाद उसका ऑर्डर जिन्ना सानू थ्रेटिकली लग रहा उन्ना नहीं होंगा. इट मीनस जो ऑर्डर है वह पहला ही फिक्स होंगे, एक्सपेरीमेंटली फाइंड आउट होंगे. ठीक है बच्चों, यह है ऑर्डर. हम असी करांगे ऑर्डर ते मोलिकुलरिटी के विच डिफरेंस की है. ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, देखो मोलिकुलरिटी सब तो पहला असं इन्हें डेफिनेशन बारे डिस्कस करांगे. इट इज़ द नंबर ऑफ आयन एटम मोलिक्यूल्स विच कोलाइड सिमटेनियसली टू फॉर्म अ केमिकल रिएक्शन. मोलिकुलरिटी की है कि किन्ने नंबर ऑफ आयन किन्ने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कंबाइन टू फॉर्म अ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के अंदर किन्ने एटम किन्ने आयन आपस के मिलन तो बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन दे रहे हैं. बच्चों देखो, मैं इतने पहला भी दस सिमटेनियसली ये की सी कि तिने ही मोलीक्यूल्स एक ही टाइम पर कोलाइड होने चाहिए है. ए नहीं है कि पहला दो मोलीक्यूल्स आपस के कोलाइड हो रहे हैं
ते उस तो बाद वो थर्ड दे नाल हो तिन्ने सिमटेनियसली तिन्ने एक ही बार आके आपस दे विच कंबाइन करनगे तो उस केस दे विच जो किन्ने नंबर ऑफ आयन आपस च कंबाइन करे दैट इज मॉलिकुलरिटी। ऑर्डर की है इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट मीन्स पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टर्म इन रेट लॉ दे विच मीन्स एक्सपोनेंट असी पावर लेनी है कि किन्ने मॉलिक्यूल्स असी यूज कर रहे हैं। जिमें देखो मैं इस दे विच ले रही हूँ ए मॉलिक्यूल्स एंड बी आपस दे विच कंबाइन करन तो बाद प्रोडक्ट बना रहे ने ते इत्थे जो इसका ऑर्डर है वो किन्ना है टू लग रहे सानू ते इत्थे ऑर्डर दी वैल्यू टू है। अगर किसी केस दे विच बी दी कंसंट्रेशन असी बहुत ज़्यादा डल्यूट कर दिए ते ए नू बहुत घट कर दिए मीन्स बी नू बहुत ज़्यादा कर दिए जां फिर वाइस वर्सा जो मर्जी ज़्यादा कर दो या फिर एक कट कर दो उहदे नाल की होएगा कि अगर असी बी दी कंसंट्रेशन नू बहुत ज़्यादा इनक्रीज कर रहे हैं तो उसके नाल बी दी कंसंट्रेशन कॉन्सटेंट हो जाएगी। कॉन्सटेंट हो जाएगी तो उस केस दे विच जो रेट है वो की होएगा सिर्फ ए दे उपर डिपेंड करेगा तो उस केस दे विच रेट होएगा के ऑफ ए मीन्स अगर असी बी नू कॉन्सटेंट कर दिए बी दी कंसंट्रेशन नू कॉन्सटेंट कर दिए मतलब बहुत ज़्यादा डायल्यूट बहुत ज़्यादा कर ले लिए तो ए बहुत घट है तो उस केस दे विच रिएक्शन किन्नी फास्ट होएगी और डिपेंड करेगा ए दे उपर तो उस केस दे विच असी रेट लिखांगे के ऑफ ए तो इन दिस केस जिहड़ा ऑर्डर है वह किन्ना होएगा वन ऑर्डर होएगा इतने वन। ऑर्डर क्यों वन है बच्चे क्योंकि इतने जो पावर है ए दी वो वन है बी दे उपर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड कर रहा। अगर सिमिलर असी यही कंडीशन इन केस ऑफ मॉलिकुलरिटी लगा रहे हैं कि रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी किन्नी होगी तो देखो ए प्लस बी अस मॉलिकुलरिटी की है कि किन्ने नंबर ऑफ आइंस या रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्ट तो इतने किन्ने मोल्स किन्ने मॉलिक्यूल्स आपस दे विच कंबाइन कर रहे हैं वन एंड टू एक ए है तो सैकेंड बी है दो आपस दे विच कंबाइन करने तो बाद प्रोडक्ट दे रहे हैं इट मीनस इन दिस केस द मॉलिकुलरिटी रिमेन्स टू मॉलिकुलरिटी टू ही रहेगी चाहे बी ते ए दे उपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस दे नाल मॉलिकुलरिटी दे उपर कोई इफेक्ट नहीं पएगा लेकिन जो ऑर्डर है वो जरूर चेंज होएगा क्योंकि ऑर्डर दे विच अगर बी दे उपर डिपेंड नहीं कर रहा रेट तो उस केस दे विच जिहड़ा ऑर्डर है वो वन होएगा लेकिन जो मॉलिकुलरिटी है वो हमेशा टू ही रहेगी मीनस किन्ने रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्ट कर रहे ने दैट इज मॉलिकुलरिटी। इतने तो डिफरेंस क्लीयर हो गया होएगा कि मॉलिकुलरिटी है कि किन्ने रिएक्टिंग स्पीसीज असी रिएक्ट करा रहे हैं ऑर्डर है कि उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन दे विच जो असी रिएक्टेंट ले रहे हैं जिसके उपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा उसकी पावर किन्नी है किन्नी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जिसके उपर डिपेंड करता है क्योंकि बच्चे ऑर्डर दे विच जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होंगी है जीरो ऑर्डर का मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के उपर डिपेंड भी नहीं करता मीनस ऑर्डर जीरो भी हो सकता है लेकिन मॉलिकुलरिटी कदे भी जीरो नहीं हो सकती नेवर जीरो। मॉलिकुलरिटी जीरो होने का की मतलब होएगा अगर असी ये कह दिए कि मॉलिकुलरिटी जीरो है तो उस केस दे विच ए एंड बी जीरो का मतलब कि कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट ही नहीं कर रहा अगर रिएक्ट नहीं कर रहा तो रिएक्शन नहीं हो रही इट मीनस ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन होएगी ता ही असी उसकी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी रिएक्टर नहीं है तो असी उसका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कैलकुलेट कर सकते दैट्स वाई मॉलिकुलरिटी कैन नैवर बी जीरो। मॉलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि रिएक्शन नु करवाने दे लई कोई ना कोई रिएक्टेंट तो सानू चाहिए है। ऑर्डर जीरो हो सकता है ये जरूरी नहीं है कि पावर होएगी कुछ रेट ऑफ रिएक्शन सम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के उपर डिपेंड भी नहीं करता क्यों नहीं करता वो असी अगे डिस्कस करांगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर की होंदा गा। नैक्सट असी इन्हों दोनों के डिफरेंस बारे पढ़ते हैं कि होल नंबर जो मॉलिकुलरिटी है हमेशा होल नंबर होएगी वन टू थ्री फोर या तो एक मॉलिक्यूल कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहा या टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट थ्री हो सकता फोर हो सकता है लेकिन इन केस ऑफ ऑर्डर ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है फ्रैक्शन मीनस टू बाय थ्री फोर बाय थ्री इस तरीके के ना फ्रैक्शनल पी बाय क्यू की फॉर्म के हो सकता है पी बाय क्यू। सैकेंड ए होल नंबर भी हो सकता है वन टू थ्री भी हो सकता है एंड इट कैन बी जीरो। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के उपर डिपेंड ही ना करे। नैक्सट डिफरेंस दैट इज सिंपल सिंपल इतने मतलब की है कि जो मॉलिकुलरिटी है
उसी सिंपल रिएक्शन दे विच कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल मीनस जो एक स्टेप दे विच हो रही है उस केस दे विच असी मॉलिकुलरिटी नूं कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन कंपलैक्स है तो असी उस केस दे विच मॉलिकुलरिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते। लेकिन इन केस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर सिंपल भी हो सकता है, सिंपल रिएक्शन का भी कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ऑर्डर कंपलैक्स रिएक्शन का भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉलिकुलरिटी कैन नेवर बी जीरो। एस आई ऑलरेडी से यू कि मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं होएगी, कोई ना कोई रिएक्टेंट सानू चाहिए तो ऑर्डर जीरो हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस ने ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी दे विच। ये क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। मॉलिकुलरिटी है कि किन्ने रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर है उन्हों की पावर ऑफ एक्सपोनेंट। जिहड़ी मॉलिकुलरिटी बच्चों ये थ्रैटिकल है, थ्रैटिकल का मतलब की है कि असी इसनों थ्रैटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन्नी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, लेकिन जो ऑर्डर है वो असी थ्रैटिकली नहीं फाइंड आउट कर सकते। सानू नहीं पता लगता कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर की होएगी, क्योंकि रिएक्शन की स्टडी करने तो बाद ही सानू पता लगेगा कि उसका ऑर्डर किन्ना है। तो ये जो ऑर्डर है ये एक्सपेरीमेंटली फाइंड आउट होंगे। ये कुछ पॉइंट ने ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी दे विच। हुण असीं ऑर्डर जो जीरो ऑर्डर, फस्ट ऑर्डर ते सैकेंड ऑर्डर दे बारे दे विच स्टडी करांगे कि जीरो ऑर्डर दे अंदर की हुंदा, फस्ट ऑर्डर दे विच रेट ऑफ रिएक्शन किवें कैलकुलेट करांगे ते सैकेंड ऑर्डर दे विच किवें करांगे। फस्ट ऑर्डर, सैकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर दी आपां कुछ एग्जाम्पल करदे हां। सो तो पहला आने हैं जीरो ऑर्डर दे विच। जीरो ऑर्डर दा मतलब है बच्चो कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन किन्नी है। देखो फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, जदों अमोनिया नूं असीं इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट कंबाइन तो इट फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस केस दे विच जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन असीं लिख रहे हैं रेट, तो वो आएगा ओनली के रेट को। मीनस जो कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साडा सी अमोनिया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया। क्यों नहीं डिपेंड किया? देखो बच्चों ये जिहड़ी रिएक्शन है ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रही है। कैटलिस्ट की है? जो रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीज करता या फिर डिक्रीज करता। मीनस हुण रेट ऑफ रिएक्शन किस दे हाथ दे विच है, कौन हैंडल कर रहा? कैटलिस्ट। इट मीनस कंसनट्रेशन असी अमोनिया की किन्नी लै रहे हैं उसके उपर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करता। मीनस रिएक्शन की स्पीड किन्नी होएगी, किन्नी फास्ट या किन्नी स्लो होएगी, इट डिपेंड अपॉन द कैटलिस्ट। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के उपर नहीं डिपेंड कर रहा, क्योंकि कैटलिस्ट पाण दे नाल रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाता, बट जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन नूं इफेक्ट नहीं करता। दैट्स वाई द रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस केस इज जीरो। इसी करके ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस केस दे विच जो ऑर्डर जीरो वो है जीरो। सिमिलरली अगर असी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आपस दे विच रिएक्ट करा रहे हैं तो ये जिहड़ी रिएक्शन हो रही है इसका भी जो रेट है दैट इज इक्वल टू के। मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन, दैट इज एच टू द पावर जीरो एंड सी एल टू द पावर जीरो। देखो बच्चों अगर किसी सबस्टांस की पावर जीरो होंगी है, किसी भी टर्म की पावर जीरो होंगी है, तो इट मीनस इट्स वैल्यू इज वन। तो इतने वैल्यू है वो है के। इट मीनस इट इज़ आल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका भी जो ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर है। ऑर्डर हमेशा एक्सपेरीमेंटली फाइंड आउट होंगे, असं रिएक्शन देख के उसके जीरो उसके ऑर्डर प्रडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस के बीच कंबाइन होने तो बाद टू मॉलीक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक दे रहा। तो इस केस के भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो जीरो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के उपर क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? देखो बच्चे सिंबल है एच म्यू का, इसका की मतलब है कि ये जो रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है। तो असी पहला भी स्टडी किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके उपर लाइट का इफेक्ट पैंदा है रेडिएशन का, क्योंकि कुछ रिएक्शन ने जो डार्क दे विच नहीं होंदिया ते इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो जांदिया ने। तो ये भी सेम रिएक्शन है कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये होएगी। तो अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही है डार्क दे विच नहीं हो रही, इट मीनस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस दे उपर डिपेंड कर रहा है?
रेडिएशन दे ऊपर. इट मीनस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि असं कितना रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं. इसे करके ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है. बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जो जीरो ऑर्डर दिएक्शन होंगे ने उदे विच असी कोई ना कोई कैटलिस्ट कोई रेडिएशन इस तरह की यूज़ कर रहे हैं कि उदे नाल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह रेट ऑफ रिएक्शन है वह रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के उपर डिपेंड नहीं कर रहा. तो वैसे ही एक्सपैरीमेंटली फाउंड आउट हों असी थ्रैटिकली नहीं फाइंड आउट कर सकते. नैक्सट आए असी फस्ट ऑर्डर की कुछ एग्जाम्पल के उपर. फस्ट ऑर्डर के देखो हाइड्रोजन परोक्साइड है दैट कंबाइन टू फॉर्म द दैट डिसोसिएट हों बच्चों वॉटर के ऑक्सीजन के जो ये रिएक्शन है दिस इज फस्ट ऑर्डर रिएक्शन क्योंकि जो रेट है इस रिएक्शन का वह साडा आ रहा है के एच टू एंड ओ टू. तो इस केस के जो ऑर्डर है दैट इज वन क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह डिपेंड कर रहा है कि हाइड्रोजन परोक्साइड की कंसनट्रेशन किन्नी असी यूज कर रहे हैं. तो यदि पावर है वन वन मीनस ऑर्डर इसका की होएगा वन. लाइक इन द सेम वे अमोनियम नाइट्रेट अगर असं यूज कर रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट डिसोसीएट होने तो बाद नाइट्रोजन प्लस टू मोलीक्यूल्स ऑफ वाटर दे रहे हैं. इस केस दे विच भी जो असी रेट फाइंड आउट किया स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट की है तो दैट कम के अमोनियम नाइट्रेट. तो इतने जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर. इट मीनस इसकी पावर किन्नी है किन्ने मोल्स असं यूज कर रहे हैं वन. तो इट मीनस इतने ऑर्डर किन्ना है वन. तो इस इतों सूँ पता लग रहा है कि ऑर्डर वन है लेकिन सारे केसिस के सूँ ये जरूरी नहीं है कि एक मोलीक्यूल से कंबाइन करेगा तो उसका ऑर्डर वन होगा. कुछ केसिस के अगर असं टू मोलीक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं तो रिएक्ट प्रोडक्ट बन रहा लेकिन उस केस के भी ऑर्डर वन हों क्यों होंगे बच्चों मैं तुम्हें पहला कह चुकी हूँ कि एक्सपैरीमेंटली फाइंड आउट है असं थ्रैटिकली इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते. लाइक इन द सेम वे कुछ एग्जाम्पल असं सैकेंड ऑर्डर दें कर रहे हैं दैट इज टू एच आई दैट डिसोसीएट टू फॉर्म द हाइड्रोजन एंड आयोडीन. इस केस के जो असी रेट ऑफ रिएक्शन चेक किया है तो दैट कम इट मीनस जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्पीड रिएक्शन की वो किसके उपर डिपेंड कर रही है एच आई के उपर. एच आई किन्ने मोलीक्यूल असं यूज कर रहे हैं टू पावर. तो इस केस के ऑर्डर होएगा टू. सिमिलरली एक होर एग्जाम्पल कर दिए जिसके ऑर्डर टू है दैट इज एन ओ टू दैट डिसोसीएट टू टू एन ओ प्लस ओ टू. तो इस जो असं रेट फाइंड आउट किया तो रेट इसके अंदर आ रहा है के एन ओ टू टू पावर टू. तो इतने जो ऑर्डर है रिएक्शन का दैट इज टू. तो इतने सूँ पता लग रहा कि ऑर्डर कुछ केसिस के असी थ्रैटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन सारे ही केसिस के असी थ्रैटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते. जीरो फस्ट ऑर्डर सैकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर. इस तो बाद एक होर ऑर्डर भी होंगे बच्चों दैट इज फ्रैक्शनल ऑर्डर. फ्रैक्शनल का मतलब की है कि जो ऑर्डर है वह पूरे तरीके दे नाल आपां नहीं कह सकते कि रिएक्टेंट के उपर डिपेंड कर रहे हैं. जिमें देखो फ्रैक्शनल हाइड्रोजन कंबाइन विद ब्रोमीन टू फॉर्म द प्रोडक्ट टू एच बी आर. ये जो रिएक्शन हो रही है जो असी रिएक्शन नू स्टडी किया तो रिएक्शन का जो रेट है दैट कम के एच टू. जो असी इसे रेट की स्टडी की है तो इट मीनस जो रेट है वह साडा आ रहा के एच टू बी आर टू की पावर हाफ. तो इस केस के ऑर्डर किन्ना होएगा देखो बच्चों ऑर्डर है सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द पावर ऑफ कंसनट्रेशन. इसकी पावर किन्नी है वन. इसकी पावर किन्नी है हाफ. तो दैट इज थ्री बाय टू. इट मीनस ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि ये होल नंबर होएगा या जीरो ही होएगी. ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल. ये तिने ही चार असं पॉसिबिलिटी किए ने. ऑर्डर सैकेंड होना जरूरी नहीं है बच्चों. ऑर्डर थर्ड भी हो सकता है फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है कि किन्ने मोलीक्यूल्स के उपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहे किन्ने रिएक्टेंट के उपर डिपेंड कर रहा रेट ऑफ रिएक्शन. तो इस तरीके दे नाल असी फर्स्ट सैकेंड थर्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते. असी सिर्फ ध्यान देना है कि किन्ने रेट ऑफ रिएक्शन किन्ने रिएक्टेंट के उपर डिपेंड कर रहा किन्ने मोल्स के उपर डिपेंड कर रहा तो असी उन्होंने दोनों प्लस करके ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं.
ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫੋਰ ਟੂਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।